नमस्कार, शाही ट्रीट्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही सबकी पसंदीदा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बच्चों को तो ये रेसिपी जो है बहुत पसंद है, तो चलिए रेसिपी को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप जो है वो बेसन लिया हुआ है, और इस बेसन को हमने छान लिया है अच्छे से पहले। अब हम इसको भिगोने जा रहे हैं पानी की हेल्प से। इस तरह से हम बेसन को एक अच्छे से भिगो लेंगे। और हम बनाने जा रहे हैं बूंदी। बूंदी जो है ये बेसन से बनाई जाती है, और ये बहुत ही पसंदीदा रहती है सबकी, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आती है। इस तरह हम आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालते जाएंगे, थोड़ा सा और चाहिए। और इसमें अगर कुछ गुठलियाँ अगर रहती है तो वो हम अच्छे से स्पून की हेल्प से मिटा देंगे। ये देखिए, 1 कप हमने पानी लिया था, इसमें से मतलब 3/4 पानी जो है हमको लगा है। इसको हम ढक के रख देते हैं और साइड में थोड़ा सा रख देते हैं। और हम बना लेंगे तब तक चाशनी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कढ़ाई में तेल रखा हुआ है, क्योंकि हम बूंदी बनाने जा रहे हैं तो उसको तलने के लिए ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने पहले ही कढ़ाई में ऑयल डाल के रखा हुआ है। इसको मैं दूसरे गैस पे ट्रांसफ़र कर दूंगी। और इस पे हमने एक बर्तन रख दिया, और यहाँ पर मैंने 1.5 कप शुगर ली हुई है। ये देखिए 1.5 कप शुगर है, वो हम इसमें डाल देते हैं। शक्कर जो है हमने डाल दी इसमें, और हम इसमें 1 कप पानी डालने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा 1 कप जो है इसमें से हमने पानी डाल दिया। और हम गैस को ऑन कर देते हैं, मीडियम फ्लेम हमने रखी हुई है। और हम इसकी चाशनी बना लेंगे। शक्कर जो है यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरी घुलनी चाहिए, ऐसी चाशनी बना लेंगे हम। इसको हम उबलने देते हैं अच्छे से। यहाँ पर आप देख सकते हो जो शक्कर जो है हमारी पूरी घुल चुकी है, चाशनी जो है ये बॉईल हो रही है, अच्छे से बॉईल हो रही है। ये बहुत ज़्यादा एक तार या दो तार वाली चाशनी हमको नहीं बनानी है, बस ये जस्ट बॉईल हो जाए और शक्कर पूरी घुल जाए तब तक कि हम इसको चलाएंगे। देखिए ये बॉईल हो रहा है, 1 मिनट बस हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और गैस को हम बंद कर देते हैं। चाशनी जो है हमारी तैयार हो गई है। हम चाहे तो इसमें केवड़ा या फिर रोज इसेंस आप इसमें डाल सकते हो। मैं केवड़ा डालने जा रही हूँ, 3 से 4 बूंद हम इसमें डाल देंगे। तो इसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं साइड में रख देती हूँ। 10 से 15 मिनट हमने इसको साइड में रख दिया था, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 पिंच सोडा डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ओनली 1 पिंच। और हम इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाल देते हैं। देखिए ये थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तेल भी हमारा गरम हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मेरे पास एक झारा है, ये हर किसी के घर में रहते हैं, आप इसी से बूंदी बना सकते हो। तो झारे को बस हम इस तरह से रखेंगे, और जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे। बस इस तरह से डालना है, और हमको इसको कुछ नहीं करना है, बस हिलाना नहीं है। अपने आप जो बूंदी है वो बूंद बूंद नीचे जाएगी, और ये बूंदी जो है हमारी बन जाएगी। बस ऊपर से बेसन का मिश्रण डालना है, और झारे को हमको वैसे ही पकड़ना है, हिलाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। देखिए बढ़िया सी बूंदी हमारी तैयार हो रही है, और जितनी जगह है नीचे उतनी बूंदी हम डालते जाएंगे। गैस जो है मेरा मीडियम पे है, मैं अभी थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। ये देखिए एकदम बढ़िया सी गोल 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 बूंदी हमारी
तैयार हो रही है और हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये सारी बूंदी मैं प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए कितना बढ़िया बूंदी हमारी बन गई है और बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से मैं जो मेरा दूसरा बचा हुआ बेसन है, मिश्रण है, उसकी बूंदी डाल दूंगी। और हम ये बूंदी भी निकाल देंगे प्लेट में। और इसमें से बचा हुआ जो मिश्रण है मैं थोड़ा सा एक दूसरे कांच के बाउल में निकाल लूंगी, क्योंकि मुझे कलरफुल बूंदी जो है वो बनानी है। तो और इसमें मैं डालूंगी रेड कलर, कोई भी जो एडिबल कलर रहता है वो आप डाल सकते हो। और इसको जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और उसी तरह से मैं बूंदी बना लूंगी। देखिए कितना बढ़िया बूंदी गिर रही है रेड कलर की। और ये भी हमारी बूंदी हो चुकी है और हम इसको निकाल लेते हैं। और ये जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ मिश्रण है इसमें मैं ग्रीन कलर डाल दूंगी। तीनों कलर बूंदी के बिल्कुल तैयार है, येलो, रेड एंड ग्रीन। और हमने जो अभी हमको करना यह है कि ये जो हमने चाशनी बनाई है उसमें हम ये जो बूंदी बनाई थी ये सब डाल देते हैं। और हम इसको 7-8 मिनट तक ऐसे ही इसमें अच्छे से, जो चाशनी है ये बूंदी में जानी चाहिए, अच्छे से भीगनी चाहिए ये बूंदी, इसमें 7-8 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रख देते हैं। 7 से 8 मिनट हमारे हो चुके हैं और ये जो बूंदी है हम इसको निकाल लेते हैं चाशनी में से और मैं इसको किसी प्लेट में रख देती हूँ। और इसी तरह से मैं जो बाकी की बची हुई बूंदी है वो हम चाशनी में डाल देंगे। एक एक करके मैं इसमें से निकालती जाऊंगी 7-8 मिनट होने के बाद। इसको 7-8 मिनट तक हम ऐसे ही पड़े रहने देंगे और बाद में मैं इस कलर की भी कर लूंगी। 7-8 मिनट हो चुके हैं, हम इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी बूंदी जो है ये बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितने बढ़िया से कलर इसके लग रहे हैं, इसको ज़रूर करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। Thank you so much.